बारिश का मौसम खत्म होने के बाद जिस तरह से वायरल फीवर अपने पैर पसार रहा है, उसे हल्के में लेने की कतई भूल न करें और ना ही इसमें लापरवाही बरतें, क्योंकि अब वायरल फीवर में भी कोरोना के जैसे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत मरीज को पड़ रही है। दीपावली के शुभ मुहूरत पर देश की नंबर वन हीरो टू व्हीलर एचएफ डिलक्स पर पाएं 5500 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, साथ ही मात्र 1999 रुपए की डाउन पेमेंट पर आसान फाइनेंस में। वायरल फीवर में कोरोना के जैसे ही लक्षण तेज बुखार, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, कमजोरी और यहाँ तक कि सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। इस मौसम में बीपी, शुगर जैसे मरीजों को तो सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही मोटापा, किडनी से संबंधित या अन्य गंभीर बीमारी वाले मरीजों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर नॉर्मल बुखार भी आए तो वह अपने संबंधित डॉक्टर से जरूर चेकअप कराएं। सागर के मकरोनिया में स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश जैन ने बताया कि पिछले 3 से 4 महीने में ओपीडी में लगभग 400 मरीज देखे हैं। इस वायरल फीवर में लक्षण लगभग वैसे ही है जैसे बुखार आना, तेज बुखार आना, सर्दी खांसी होना, मरीज को शरीर में वीकनेस महसूस होना, दर्द होना, और कई मरीज ऐसे भी मिले हैं जिनको सांस लेने में भी तकलीफ हुई। इनके लिए ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ी है, जैसा कि कोरोना जैसी बीमारी में देखा गया था। इसमें जो लोग पिछले कई सालों से गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट पेशेंट या जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, मोटापा या अन्य गंभीर बीमारियां हैं, अगर ऐसे मरीजों को नॉर्मल वायरल फीवर भी है तो उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम इस वायरल फीवर के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन से मरीज को बचा सकें। देखिए, पिछले 3 से 4 महीनों में अस्पताल में और ओपीडी में लगभग 300 से 400 मरीज वायरल फीवर के मैंने देखे हैं, और इस वायरल फीवर में लक्षण लगभग वैसे ही हैं जैसे कि बुखार आना, तेज बुखार आना, सर्दी खांसी होना, मरीज को वीकनेस महसूस होना, शरीर में दर्द होना, और कई मरीज ऐसे भी मिले हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ हुई है और जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी पड़ी है, जैसे कि कोरोना जैसी बीमारी में देखा गया था। इसमें सर किस तरह की लोग सतर्कता बरतें अगर किसी को इस तरह का वायरल फीवर होता तो? देखिए, ऐसे मरीज जो पिछले कई सालों से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट के मरीज, ऐसे बीमारी जो कि कुछ ऐसे जैसे कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या अन्य गंभीर बीमारियां हैं, ऐसे मरीजों को यदि नॉर्मल फीवर भी है, नॉर्मल वायरल फीवर भी है, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ताकि हम इस वायरल फीवर के होने वाले दुष्प्रभाव कॉम्प्लिकेशन से जो है ऐसे मरीज बच सकें। सर, इसमें सुना कि कोई अब वेंटिलेटर की स्टेज तक भी वायरल फीवर वाले मरीज पहुंच रहे हैं। देखिए, पिछले 3 से 4 महीनों में मुझे लगभग 5 से 10% मरीज ऐसे मिले हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी है, और पिछले दिनों एक ऐसा मरीज भी खुरई क्षेत्र से आया था जिसकी लगभग दोनों लंग्स 100% लंग्स जो हैं वो अफेक्टेड थे, और मरीज का ऑक्सीजन लेवल लगभग 60 से 70% से ऊपर जा ही नहीं रहा था। उस मरीज को तुरंत इंटुबेट किया गया, वेंटिलेटर पे लिया गया, लेकिन अस्पताल की मेहनत और स्टाफ की मेहनत, भगवान की कृपा से वो मरीज़ एक्सटुबेट भी हुआ और पूरी रिकवरी के साथ डिस्चार्ज भी हुआ। तो ऐसे मरीज भी वायरल फीवर में आ सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली कोरोना जैसी बीमारी में देखा था कि कई नॉर्मल वायरल फीवर के बाद अचानक से मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती थी और मरीज वेंटिलेटर पर चले जाते थे। तो पिछले दिनों एक ऐसा मरीज भी आया था, लेकिन वो मरीज पूर्ण रूप से रिकवरी के साथ जो है वो डिस्चार्ज हुआ। दीपावली के शुभ मुहूर्त पर देश की नंबर वन हीरो टू व्हीलर एचएफ डिलक्स पर पाएं 5500 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, ये दीपावली हीरो वाली, साथ ही मात्र 1999 रुपए की डाउन पेमेंट पर आसान फाइनेंस। आज ही संपर्क करें सेंट्रल हीरो, भगवानगंज एवं मकरोनिया, सागर 7225872531।